हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं जबरदस्त क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता, और वो भी बनाएंगे मुरमुरे से। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसकी साउंड सुनिए, कितना जबरदस्त क्रिस्पी है ये। तो आज हम ये क्रिस्पी नाश्ता बनाएंगे मुरमुरे से। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ही अनोखा नाश्ता जिसमें होगा लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, और टेस्टी भी होंगे, और बिल्कुल ही 3 से 4 चम्मच तेल में ये नाश्ता बन जाता है। अगर आपके किड्स है ना, आपके बच्चे अगर वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं ना, तो आपको ये बनाकर खिलाना चाहिए, वो चाव से खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा पफ्ड राइस, जिसे मुरमुरा कहते हैं और ममरा भी कहते हैं। तो ले लें एक बड़ा सा पतीला, और उसके अंदर 5 कप भर के ममरा ले लेंगे हम। आप चाहे तो कोई एक बाउल भी सेट कर सकते हैं। उसके अंदर ऐड करेंगे गर्म पानी। गर्म पानी ऐड करने से ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे और थोड़े से फूल भी जाएंगे। तो 15 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देना है, और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से फूल भी गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इसे छन्नी में हम ड्रेन कर लेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल वाटर ऐड करेंगे और अच्छे से इसे धो लेंगे। थोड़ा सा प्रेस करके इसका एक्सेस वाटर भी निकाल लेंगे, और छन्नी को हम थोड़ी देर 15 मिनट के लिए बाहर इसे साइड में रख देना है, जिससे थोड़ा सा भी पानी हो ना वो ड्रेन आउट हो जाए, यानी कि पानी पूरा निकल जाए। तो 15 मिनट बाद बड़े से बाउल में हम हमारे भिगोए हुए मुमरा ले लेंगे, और इसे अच्छे से मसल मसल के मैश करना है। जैसे हम उबले हुए आलू को मैश करते हैं ना, वैसे ही इसे मैश करना है, और आपको लगेगा कि ये आलू ही है जैसे, वैसे ही इसे अच्छे से मैश कर ले। ये देखिए इसका टेक्सचर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें इसमें ऐड करना है। उसके लिए चाहिए, मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज के पोटैटोज लिए हैं, इसे मैंने उबाल लिया है या उबले हुए हैं। उसके साथ लेंगे यहाँ पे ग्रेट किया हुआ गाजर, पत्ता गोभी ली है मैंने, मूंगफली ली है, और ये अदरक और हरी मिर्च ली है मैंने यहाँ पे, और उसके साथ प्याज भी बारीक चॉप कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होगी। उबले हुए आलू को हमें उसकी स्किन निकाल कर बिल्कुल ही छोटा सा जो ग्रेटर हो ना, उससे ग्रेट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, कढ़ाई में लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, उसके अंदर आधा कप मूंगफली ऐड करेंगे, और लो फ्लेम पर चिटकने लगे तब तक इसे रोस्ट करना है। ये देख सकते हैं अच्छे से हो गए हैं रोस्ट। पीनट्स में दोस्तों बहुत ही प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर होते हैं, तो हेल्थ वाइज भी ये बहुत ही अच्छा हेल्दी स्नैक बनने वाला है। दोस्तों इसे ठंडा होने दे पीनट्स को, और मिक्सी जार को ऑन ऑफ करके दरदरा पीस लेना है। इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है दोस्तों, याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये पीनट का बचा हुआ ऑयल है, जो हमने पीनट रोस्ट किए ना उसका बचा हुआ ऑयल है। उसके अंदर ऑनियन ऐड करेंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमें नरम होने तक अच्छे से फ्राई करना है। तो ये थोड़े से गल गए हैं, तो उसी के साथ उसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्च और अदरक, और फिर से इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। अच्छे से मिक्स कर लें। उसी के साथ ऐड करेंगे ग्रेट की हुई गाजर, मैंने यहाँ पे एक गाजर ली थी मीडियम साइज की, उसे ग्रेट कर लिया है। लेंगे हम पत्ता गोभी। दोस्तों आप यहाँ पे कोई भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि आप यहाँ पे कॉर्न, कैप्सिकम कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो वेजिस ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ी सी नर्म हो ना सब्जी, तब तक इसे पकाना है, ज्यादा गलने नहीं देना है, बस थोड़ा सा ही इसे रोस्ट करना है, थोड़ी सी नर्म होने देना है। तो फिर इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद हम चलेंगे मुरमुरा के बाउल की ओर, उसके अंदर ऐड करेंगे हम हमारे बॉईल किए हुए पोटैटोस, ऐड करेंगे हमारा फ्रेशली कट किया हुआ धनिया, हरा धनिया। उसके अंदर हमें जो भी हमने रोस्ट किए थे ना, वो बिल्कुल ही ठंडे हो गए हैं, वो वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। उसी के साथ हमारे दरदरे कूटे हुए पीनट्स यानी कि मूंगफली ऐड करेंगे, और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी साथ ही में मसाले ऐड करेंगे ना, तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, तो पहले इसे मिक्स कर लेंगे और बाद में हम इसके मसाले करेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, हाथ में अच्छे से धो लूँगी अब, और फिर चलते हैं मसाले करते हैं इसके। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटी चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, आप कम पसंद करते हो तीखा तो कम ऐड करें। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा खट्टापन आए,
1 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर यानी कि भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और उसी के साथ 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। दोस्तों गरम मसाला स्किप ना करें, उसे ऐड करें ही करें। और आपको पसंद हो ना उतना काली मिर्च ऐड कर दे, आप जितना तीखा पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग काली मिर्च पाउडर ऐड कर दे, नमक ऐड कर दे और हथेली में थोड़ा सा तेल लगा ले क्योंकि ये मिक्सचर है ना थोड़ा सा चिपचिपा होगा, तो अच्छे से मिक्स कर लेने के लिए हथेली पे थोड़ा सा तेल लगाए और अच्छे से मिक्स कर ले। तो भाई ये हमारा हेल्दी और टेस्टी मिक्सचर तो तैयार है, बस अब इसे पकाने की ही देरी है। तो मैंने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया है ताकि ये चिपके ना हाथों में, और आपको जो भी शेप पसंद हो ना उस शेप की आप टिक्की यहाँ पे बना ले। आपको यहाँ पे यही ख्याल रखना है दोस्तों कि हमें जो ये टिक्कीज वगैरह है ना उसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही, जितनी धीमी आंच पर आप अपने टिक्कीज वगैरह फ्राई करोगे ना उतनी ही क्रिस्पी और क्रंची बनने वाली है। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही शेप की तैयार कर ली है टिक्कीज, और कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल रखा है, सिर्फ 1 टेबल स्पून ही लेना है, बिल्कुल ही कम तेल में हमें इसे लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से पलट पलट कर हमें इस तरीके से गोल्डन क्रिस्पी हमें इसे बना लेने हैं। तो हमारा हेल्थी स्नैक बिल्कुल ही कम तेल में बिल्कुल ही वेजीज से भरा हुआ, और वाह इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है कि मन कर रहा है कि मैं अभी के अभी इसे खा लूं। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों टिक्कियाँ तैयार कर ली है दोस्तों बिल्कुल ही कम तेल में। तो इस तरीके से आप भी बना लें, और आपके साथ मैं अभी दूसरी टिप्स भी शेयर कर रही हूँ दोस्तों कि आप इसे अप्पे पेन में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए अप्पे पेन में थोड़ा थोड़ा सा बूंद बूंद जितना आप ऑयल ऐड कर लें और इस मिक्सचर को इस तरीके से दबा दबा कर पूरे अप्पे पेन में आप फील कर दें और इसे ढककर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख दे दोस्तों। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद ये अच्छे से क्रिस्पी होने लगे हैं, तो इसे पलट लें। बस थोड़ी सी धीरज के साथ लो फ्लेम पर इसे पकाएं, बिल्कुल ही कम तेल में हमारा चटपटा और क्रिस्पी नाश्ता तैयार हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है दोस्तों क्योंकि हमने इसे मुरमुरा से बनाया है, इसके अंदर लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, इसके अंदर हमने पीनट्स ऐड किए हैं और बिल्कुल ही कम तेल में हमने इसे रेडी कर लिया है। तो ये बच्चों के लिए तो परफेक्ट रेसिपी है, आप किड्स को ये लंच बॉक्स में या फिर स्नैक्स में दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आलू को भी स्किप कर सकते हैं, आलू की जगह आप शकरकंदी या फिर कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप। तो तैयार है दोस्तों हमारा मुरमुरे से बना हुआ बिल्कुल ही अनोखा नाश्ता, तो आप भी इसे बनाएं दोस्तों, मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। इसके अंदर पीनट का स्वाद तो बहुत ही अच्छा आ रहा है क्योंकि पीनट्स हमने रोस्ट करके यूज़ किए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, और अब तक नहीं की हो ना तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही और बेहतरीन रेसिपीज आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ये घंटी भी दबा दे ताकि मेरी नई रेसिपीज आपको मिल जाए।